नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com में और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर हरियाणा की खास खबरों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं बेहतर की जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने सदा झूठ की राजनीति की। विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस की झूठ की दुकान पर ताला लगाने का काम करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर जोरदार निशाना साधा। कहा, हरियाणा में कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने 72+ के नारे के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सिरसा लोकसभा सीट से सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, चुनाव के नाम पर डरी हुई भाजपा पिछले 3 सालों से टालती आ रही निकाय चुनाव। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना पर 7 वर्षों में लाभार्थियों को वितरित किए गए 134 करोड़ रुपए। हरियाणा के उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ में सीवर लाइन सफाई कार्य का जायजा लिया, अधिकारियों को लगाई फटकार। हार्ट्रोन कंप्यूटर सेंटर संचालक विनोद बराड़ा हत्याकांड का खुलासा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई थी पति की हत्या। सिरसा में जस्सी डॉग को साथ लेकर एनसीबी ने बस स्टैंड पर खंगाले बैग, नशे के खिलाफ धरपकड़ जारी। फतेहाबाद में हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशे के खिलाफ किया जागरूक, युवाओं को दिलाई शपथ। पंचकुला में निजी व्यक्ति संचित को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। सिरसा में राइस मिल मशीनरी कंपनी से करीब 33 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।